Beshir Ram dosto aykermayin part. De kabadet vesalati nehic man anumani fin binu faresa ek mariu çap usrwan ligi tanisiya var Ram jeje Ram. Meri prabu Ram jeeshir Ram. मंगल हारी दबु सुदशरथ अजरबी मेरे प्रभु राम जय श्री राम वरजी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है उन्होंने कान तक धनुष्य को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा सुनिप्रिय वचन भरत तब दाये कपि समीप अतिराय भान लगती हनुमान जी राम राम रघुवती का उच्चारण करते हुए मुर्शि होकर पृथ्वी पर गिर पड़े प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए विकल बिलोकलावा की की जागत नहीं बहुबांति जगावा मुख मली न मन बेदुखारी कहत बचन बरी लोचन बारी हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिए बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे तब भरत जी का मुख उदास हो गया वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भर कर की ना, पुनी ये वचन बोले जही मन राम अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया यदि मन बचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम तो हो तो हो विगत श्रम शूला जो ਮੋ ਪਦ ਰਗਪਤੀ ਅਨੁਕੂਲਾ ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਉਡੀ ਬੈਠਕ ਪੀਸਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਜੈ ਤੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਲਾ ਦਿਸਾ ਉਹ ਜਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰਗਨਾਚੀ ਮੁਝ ਪਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਤੋ ਜੇ ਬਾਨ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਪੀੜਾ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਬਚਨ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਕਪੀਰਾਏ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕੋਸਲ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਉਠ ਬੈਠੇ ਲੀਨ ਕਪੀ ਉਰ ਲਾਈ ਪੁਲਕਿਤ ਤਨੁ ਲੋਚਨ ਸਜਲ रीति समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक सिया भर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया उनका श्री पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र का स्मरण करके बरत जी के हृदय में प्रीति समाति न थी तातकुशल कहू सुख निदान की सहित नजर जाने की कपि सब चरित समास बखाने बेदुखी मन महू पश्चिताने जी बोले हे ता छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जनकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे आह देव मैं कत जग प्रभु के एक ना जानी मन प्रभुरा पुनि कपी सन बोले बलवीरा हा देव मैं जग में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी कामना आया फिर कु मन में धीरे धरका बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले तात गहरू हो तो ही जाता काजू नसाही होत प्रवाता चरुमा सायक सैल समेता पटवों तो ही जहाँ कृपा ने के रहे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होती काम बिगड़ जाएगा अतः तुम परवत पर साहे मेरे बांध पर चढ़ जाओ मैं तुमको वहां भेज दू जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं सुनी कपि मन उपजाभिमाना मोहरे बार चल ही के विमाना राम प्रभाव बिचारी बहोरी बंदी चरण कह कपी कर जोरी भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से भान कैसे चलेगा किंतु फिर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले ਤਬ ਪ੍ਰਤਾਪੂਰ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਹੂੰ ਨਾਥ ਤੁਰੰਤ ਅਸ ਕਹੀ ਆਇਸੀ ਪਾਈ ਪਦ ਬੰਦੀ ਚਲਉ ਹਨਮੰਤ ਸਿਆ ਵਰ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਗਲ ਬਵਨ ਅਮੰਗਲ ਹਾਰੀ ਦਬੂ ਸੁ ਦਸ਼ਰਤ ਜਦ ਬਿਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ श्री राम हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ऐसा कर आज्ञा और बरत जी के चरणों की बंदा करके हनुमान जी चले बरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपा मन मोहन जात सराहत पुनि पुनि मुनि पवन कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम भरत जी के बहुबल सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मानी मान बारम सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं बोल सियापति भोलशियापतिमचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्रीराम